हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन हो रहा है, दोबारा किसी इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि प्लांट्स या तो फॉर्म्ड हो रहे हैं, न्यू बेबी प्लांट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है कि रिप्रोडक्शन, इन्होंने ये बताया कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रिप्रोडक्शन में बताया इनके मोड्स। मोड्स से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन किस प्लांट्स के बारे में बताया रहे हैं, तो किस पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में रूट, प्लांट को हम डिवाइड करते हैं रूट स्टेम लीव्स में। ठीक है, तो जो ये रूट स्टेम और लीव्स होते हैं, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो फ्लावर होता है प्लांट का, वो उसका फ्लावरिंग पार्ट कहलाता है या रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाता है। तो ये दो पार्ट्स में हमारा प्लांट डिवाइड हुआ, एक तो वेजिटेटिव पार्ट जिसमें आ जाएगा हमारा रूट स्टेम लीव्स बड्स। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें आ जाएगा फ्लावर। ठीक है, और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं समर स्प्रिंग सीज़न में या समर सीज़न में अलग अलग तरह के जूसेस को एंजॉय करते हैं, उसको लेते हैं। तो जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनका अपना अपना एक सीज़न होता है। जैसे मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्रीज़ को ज़्यादातर हम समर में, स्प्रिंग में उसको हम यूज़ करते हैं। स्प्रिंग में इसके फ्लावर्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर फ्रूट्स में चेंज हो जाता है, तो समर में हम लोग मैंगो शेक और मैंगो जूस वगैरह इंजॉय करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हर प्लांट का अपना एक सीज़न होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिप्रोडक्शन को करता है। दूसरी बात ये कि ज़्यादातर हम ये देखते हैं, जैसे मैंगो प्लांट की बात की गई है या कोई भी हम प्लांट ले लें या फ्रूट्स ले लें, तो जब भी हम उसको खाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके सीड्स को, सीड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब सीड्स को निकाल के तब हम लोग खाते हैं। यानी कि यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आती है कि जो सीड है वो प्लांट के, सीड के जर्मिनेशन से क्या हो जाता है, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सीड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रिप्रोडक्शन के लिए। अब पॉइंट ये आता है कि क्या सीड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, खाली सीड अगर नहीं है तो हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, क्या ऐसा है, तो इसको जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे टू टाइप्स के हमारे होते हैं, कैटेगरी की गई है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो दो तरह का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल होता है वो विदाउट सेक्सेस होता है, मतलब उसमें सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न मेल की न फीमेल की। लेकिन एसेक्सुअल में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो सेक्सुअल होते हैं उसमें हमें मेल और फीमेल प्लांट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर हम इसको सिंपल वे में पढ़ें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। एसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, सीड के बिना ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। और जबकि अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में विदाउट सीड रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बस ये आप लोग अभी इतना समझिए कि सीड के बिना अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर सीड्स के थ्रू हो रहा है तो वो कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे पहली है, ये बच्चे ये सोचते हैं, यहाँ पे पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। वो हमेशा से ये सोचते थे कि हमेशा जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हमेशा किससे करते हैं, सीड से ही ग्रो करते हैं। बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, लेकिन ना उसने कभी भी शुगर केन के सीड्स देखे, ना कभी पोटैटो के सीड्स देखे, ना कभी गुलाब यानी कि रोज़ के सीड्स देखे। ठीक है, तो ये प्लांट्स कैसे ग्रो करते होंगे, क्या होता होगा, तो यहीं पे बात आ गई कि जो सीड्स के थ्रू हो रहे हैं वो सेक्सुअली हो रहे हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और जो विदाउट सीड्स हो रहे हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था प्लांट को, कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जब वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जब रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू होता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसको हम एक और तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली वही कह रहे हैं, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। बिना प्रोडक्शन ऑफ सीड्स के यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे टर्म ले रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने पढ़ा वेजिटेटिव पार्ट, उसमें क्या आता था, रूट, स्टेम, लीव्स और बड्स, ठीक है। तो जब इनके थ्रू प्रोपोगेशन, मतलब उस चीज़ के थ्रू, इन पार्ट्स के थ्रू जब हम प्रोपोगेट करते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रूट, स्टेम, लीव्स और बड्स, ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इनके थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है कि रूट से ही हमारा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, स्टेम से ही हमारा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा और लीव से ही हमारा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमें विदाउट सीड इस तरह का रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन देखने को मिलता है, तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी को हम कहेंगे, जो ये बन रहे हैं, ये हमारे न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड होंगे इन पार्ट्स के थ्रू, इसी को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम कई तरह से लिख सकते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अगर पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो नहीं, ये दोनों चीज़ें एक हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वो सेम है, उनको अलग अलग तरीक़े से डिफाइन किया जा रहा है। अब इसी को समझाने के लिए हम एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी 12.1 में बोला है कि हम रोज़ यानी कि गुलाब और चंपा को नोट से काट लेते हैं, ठीक है। चंपा या गुलाब को, जैसे ऐसे प्लांट हमारा होता है, तो उसमें यहाँ पे नोट्स, हल्के हल्के से नोट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ से उसको क्या कर लेना है, कट कर देना है। और इसको क्या कहते हैं, इस कटिंग प्रोसेस को जो हो रही है, इसको कहेंगे द पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। जो हम इसको कट कर लेंगे, तो ये पीस हमारा क्या कहलाएगा, कटिंग कहलाएगा। अ सॉयल नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टम oblique branch at which a leaf arises, वो कोई भी पार्ट हो सकता है, उसको हम ले लेंगे और उसके बाद उसको क्या कर देंगे, बरी, उसको हम सॉयल में बिल्कुल अंदर डाल देंगे मिट्टी के, और उसके बाद उसको जो भी न्यूट्रेंट उसको देना है, मतलब वाटर देना है और सनलाइट, उसको देंगे और उसको फिर कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है, और उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम होगा, उसको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी, न्यू लीव्स अराइज हो जाएंगी। देखिए ऐसे ये होते हैं नोड्स, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए बड निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा प्लांट ग्रो करने लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। इसी तरह से हम और भी एक्टिविटी कर सकते हैं, हम यहाँ पे मनी प्लांट ले सकते हैं और मनी प्लांट को जार में डाल के, वाटर में डाल के, और फिर उसको उसके ऑब्जर्वेशन उसका करके रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये कितने दिनों में प्रिपेयर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन मिलना ज़रूरी है, अगर आप उसको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये बर्ड देखी, ये जो बर्ड होती है, एक तो देखिए दो तरह की बर्ड्स होती हैं, एक तो वो बर्ड होती है जिससे जो फ्लावरिंग बर्ड होती है, ये धीमे धीमे फ्लावर में चेंज हो जाती है, और एक होती है जो बिल्कुल जस्ट यहाँ पर इनके जो लीफ का पोर्शन है नीचे का, यहाँ पे ये मिल रहा है। तो ये क्या होता है, ये एक हमारी शूट में चेंज हो जाती है, धीमे धीमे इसमें ग्रोथ होती है और ये हमारी किस में चेंज हो जाती है, डेवलप हो जाती है शूट में, ठीक है। तो इस तरह की जो बर्ड होती है उसको कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड, ठीक है। जिससे हमारी शूट फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड। चलिए अब यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज अ न्यू प्लांट। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बर्ड्स हों, रूट हों, लीव्स हों, तो इनके थ्रू क्या हो जाता है, हमारा न्यू बेबी प्लांट में ग्रोथ हो जा चेंज हो जाता है, न्यू बेबी प्लांट फॉर्म हो जाता है। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं एक्टिविटी 12.2। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, एक ब्रांच के थ्रू देखा कि हमने यहाँ पे शूट पोर्शन इसका लिया था और इससे हमारा न्यू प्लांट बन गया। तो इससे मैं समझ में आया कि शूट यानी स्टेम के थ्रू हमारा न्यू बेबी प्लांट बन सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो सकता है, जो कि एसेक्सुअल है। अब हम देखते हैं कि पोटैटो में, पोटैटो की क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि एक पोटैटो ले लेते हैं, ठीक है। पोटैटो में अगर हम देखें तो उसमें कई तरह के बर्ड्स टाइप के होते हैं, उसको हम कॉमन लैंग्वेज में आइज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा पोटैटो दिखेगा, देखिए ये, ठीक है। आप इसको ऐसा करिए, लेकर उसके बाद इसको कट करिएगा। इसके लेकिन जो कटिंग पोर्शन होगा उसमें आई का आना ज़रूरी है, अगर आई नहीं आएगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। उसके बाद उनको टुकड़ों को लेकर उनको आप सॉइल में नीचे दबा दीजिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट देते रहिए, धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे। देखिए यहाँ पे घर पे जब आलू रखे रखे बहुत पुराने हो जाते हैं तो ही उनसे ये ग्रोथ शुरू हो जाती है,
तो अगर हम इनको सॉइल में डाल देंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ और बेबी प्लांट हमारा न्यू तैयार हो जाएगा। तो देखिए इससे प्रूफ ये हो गया कि शूट यानी कि स्टेम, ये और ये भी एक स्टेम है, पोटैटो भी एक स्टेम है, तो पोटैटो के इस आई के थ्रू भी हम इसको न्यू बेबी प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये किस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन्होंने बताया कि हम जिंजर भी ले सकते हैं, अदरक हो गई, टर्मरिक यानी कि हल्दी, हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ये अदरक है। धीमे धीमे आप अगर ध्यान दें अगर अपने घर में, तो ये जो अदरक होती है वो क्या करती है कि आप घर में रखा रहने दीजिए, धीमे धीमे आप देखिएगा तो इसमें ग्रीन कलर के ये बेबी प्लांट फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही रखे रखे। और अगर हम सॉइल में डाल देंगे तो वो प्रॉपरली फिर निकल के आएंगे, ठीक है। और अभी हमने शूट का एग्जाम्पल लिया, अब हम और ये जिंजर हमारी रूट है, तो हमने रूट का भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया। अब हम ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, जो कि एक लीव है, ठीक है। ये एक लीव है, जो बेबी प्लांट बनता है वो इस लीव के थ्रू बनता है। तो क्या करते हैं, बस हम उसको प्रॉपर ले लेते हैं, इसको इसकी हमें बस क्या चाहिए, एक लीव चाहिए। एक लीफ लेकर हम उसको सॉइल में दबा देंगे, जैसे ही दबाएंगे प्रॉपर सनलाइट इनको मिलेगा तो ये ग्रोथ हो जाएगी। अभी यहाँ पे दिखाया गया है, ये इस तरह से हम लीफ लेंगे और लीफ को अंदर डाल देंगे और सॉइल के, और उसको प्रॉपर हम क्लाइमेटिक कंडीशन देंगे, और यहाँ पर धीमे धीमे देखिए ये न्यू प्लांट्स फॉर्म हो गए एक लीफ से। तो शूट और लीव्स और रूट्स तीनों के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ले लिए। यहाँ पे और बता रहे हैं कि हम इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज अ न्यू प्लांट्स, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है। तो ये इस तरह के भी बहुत से प्लांट्स हैं जिनके थ्रू हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख सकते हैं कि वो रूट स्टेम और लीव्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब बूझो को यहाँ पे इतना कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन आता है, तो वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो If there is any advantage of vegetative propagation, हाँ बहुत अच्छा उसको ध्यान आता है कि वो सोचता है कि क्या कोई एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हम क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। तो ऑब्वियस ये बात है कि बहुत फ़ायदा है। रीज़न ये है, आपको डिटेल में बताती हूँ कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेट करेंगे तो उसके लिए हम पूरा वेट करेंगे कि फ्लार आ जाए, फ्लार के जो प्रॉपर अगर एक ही में है मेल और फीमेल तो ठीक है, अदरवाइज मेल और फीमेल प्लांट्स को भी लेना होगा, उनके फ्लावर्स आने का वेट करना होगा, फ्लावर्स आने के बाद फिर उनमें रिप्रोडक्शन हो, पॉलिनेशन हो, फिर प्रॉपर हो, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कि फ्लावर आया, पता चला कोई किसी भी रीज़न से फैक्टर हुआ वो और फ्लावर टूट गया, कोई जानवर आके खा गया, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो बहुत ही लॉन्ग और मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, उसमें टाइम लगता है। अभी जब इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और जहाँ तक आप स्टेम देखिए, पोटैटो को देखिए, तो पोटैटो तो घर में रखे रखे उनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, उनकी थोड़े दिन अगर हम रखे रहने देते हैं तो उसमें से बेबी प्लांट बनने लगता है। तो इसमें क्या हो जाता है, टाइम बहुत कम होता है। यहाँ पे यही बताया, टेक लेस टाइम टू ग्रो, बहुत कम टाइम ग्रो करने के लिए होता है। और वही बात है कि उसमें एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, ऑब्वियस सी बात है जब कम टाइम लगेगा तो हमें जल्दी फ्लावर्स मिल जाएंगे और जल्दी फ्रूट्स हमें मिल जाएंगे। उसमें जो हमारा पेरेंट है वही बनने में इतना टाइम लग रहा है, तो बेबी प्लांट बनने में बहुत टाइम लग जाता है। इसमें जब पेरेंट इतना प्रिपेयर है कि हमने फट से उसको निकाला और काट के ग्रो कर दिया, सॉइल में दबा दिया, तो यहाँ पे बहुत कम टाइम होता है, हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है और फ्लावर और फ्रूट्स हमें जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी कॉपी होती है, क्योंकि उस यहाँ पे मेल, वहाँ पे मेल फीमेल की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, तो कॉपीज़ होते हैं पूरे, जैसा भी हम पेरेंट ले लेंगे वैसा हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। सही। और यहाँ पे ये याद रखिएगा एक टर्म कि सिंगल पेरेंट से प्लांट्स ग्रो करते हैं, यहाँ पे हमें मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे क्या होता है सिंगल पेरेंट से हमारा न्यू बेबी प्लांट ग्रो करता है। तो इसी को तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें हमें सेक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम आगे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम एसेक्सुअल को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी हमने सिंपली पढ़ा एसेक्सुअल में हमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ सेक्सेस नहीं होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे रूट शूट और बर्ड्स, ठीक है, और लीव्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत से, अभी तो हमने ये जो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये रोज़ की बात की, मैंगो की बात की, तो ये तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ हैं, मैंगो
मैंगो ट्रीज़ होता है और जो रोज़ है वो हमारा श्रब्स हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की होती है कि बहुत से जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है हर्ब, उसके बाद जो उनसे बड़े प्लांट्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है श्रब्स, उसके बाद जो बिल्कुल जैसे मैंगो ट्री है तो उनको नाम दिया जाता है ट्रीज़। तो इस तरह के अभी हमने बात पढ़ी कि इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अब जो और इनसे भी छोटे प्लांट्स हैं यानी कि हर्ब से नीचे भी आ जाते हैं उनको प्लांट ही बोला जाता है, तो उनमें क्या कैसे होता है तो वो देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ एनिमल्स में भी होता है ये, ठीक है। तो बडिंग यहाँ पे अभी फ़िलहाल बात की जा रही है, तीन हम यहाँ पे प्रोसेस पढ़ेंगे, एक है बडिंग, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन और तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बडिंग। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि बड के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक जैसे ये स्टेम है या शूट है तो उसमें हल्की सी यहाँ पर एक आउटग्रोथ निकली होती है, ठीक है। यहाँ पे एक आउटग्रोथ निकली होती है छोटी सी, तो उससे क्या हो जाता है कि वो बड, उसको हम क्या कह देते हैं, बड कह देते हैं। और फिर धीमे धीमे उसकी ग्रोथ होने लगती है और फिर वहाँ से वो डिटैच हो जाता है, डिटैच होके फिर वो अलग हो जाता है और न्यू प्लांट बन जाता है। अब हम यहाँ पे, और ये सिंगल सेल के थ्रू होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एग्जांपल ये ले रहे हैं कि हमें यीस्ट इसका एक्टिविटी के थ्रू इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यीस्ट केक ले लेना है या यीस्ट पाउडर बेकरी से ले लेना है। उसके बाद उसे हमें क्या करना है, एक कंटेनर में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डालने के बाद उसमें शुगर डाल देना है पूरा एक स्पून। उसके बाद उसे डिसॉल्व करके और उसको रूम टेम्परेचर में, वार्म जहाँ पे पार्ट है हमारे रूम का, गर्म पोर्शन है वहाँ पे एक घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद उसको हमें रखने के बाद उसको हमें ग्लास स्लाइड पे डालकर और माइक्रोस्कोप से देखना है। तो जब हम क्योंकि ये जो यीस्ट होते हैं ये बहुत ही छोटे सेल होते हैं, ये हमें नेकेड आई से दिखेंगे ही नहीं, तो इसको ये टीचर के थ्रू करवाना होगा लैब में, तो ये टीचर के अंडर में होगा। तो उसके वहाँ पे हम देखते हैं जो यीस्ट सेल होती है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। देखिए ये पूरी यीस्ट सेल है, एक सिंगल सेल है। उसके बाद इसमें देखिए ऐसे आउटग्रोथ होती है, ये डेवलप हो गई यहाँ पे बड, ठीक है। ये बड धीरे धीरे न्यू बड्स में फॉर्म हुई और इस तरह से फिर ये डिटैच होकर बहुत सारी ये देखिए यहाँ पे बन गई, चेन बन गई, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे बनती चली आती हैं। फिर ये यहाँ से डिटैच होकर सब सिंगल सिंगल सेल अलग हो जाएंगी और इस तरह से बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन हो गया। एक सिंगल पेरेंट से हो रहा है इसलिए ये कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे कौन क्या हो रहा है, बड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल बड है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुई। तो बड क्या होती है एक्चुअल में, तो द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड बड, ठीक है। तो इस केस में बड कैसे प्रोजेक्शन होते है, एक आउटग्रोथ सी होती है क्योंकि फिर अपनी उसमें चेंज होके न्यू सेल में चेंज हो जाती है, उसे डिटैच हो जाती है, डिटैच होके न्यू बेबी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, बडिंग को पढ़ लिया। बडिंग का एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट है, यीस्ट से हमने बडिंग को पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि नाम है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। तो उसको इसको पढ़ने से पहले एक बात है कि जैसे हम घर पे देखते हैं, अगर हम नॉर्मली घर पे देखें तो हमारे घर की जो छतें होती हैं जब बारिश के बाद देखते हैं तो उनमें कुछ ग्रीन ग्रीन सी, ब्लैक ब्लैक सी एक हमें दिखती है कि यहाँ पे कुछ जम सा गया है। या अगर हमारी नाली जो हमारे घर के आसपास ड्रेनेज सिस्टम है उसमें भी हम देख सकते हैं कि नालियों वगैरह में ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ पैचेस से हैं, या पौंड अगर है तो पौंड में भी पैचेस से ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ये जो पैचेस होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये होती है एल्गा, ठीक है। ये क्या होती है, ये एल्गी होते हैं, ये इनको नमी चाहिए होती है और ये नमी में ग्रोथ उनकी होती है। तो इस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस देखी जाती है। ये देखिए ये दिखा रहे हैं एल्गी, अगर हम ये है इस एक्चुअल में इस एल्गी में इसका नाम है स्पायरोगायरा, ठीक है। तो ये स्पायरोगायरा एक सेल होती है ऐसे, और ये फ्रेगमेंट इसके यहाँ पे बीच में ये डिटैचमेंट आता है और डिटैच होके यहाँ पे ये दो में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा पूरा एक फ्रेगमेंट अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कई फ्रेगमेंट्स में भी चेंज हो जाते हैं और फिर इसी फ्रेगमेंट में फिर ग्रोथ होगी और ये फिर फर्दर दो न्यू बेबी प्लांट में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हो जाती है और धीमे धीमे, देखिए ऐसे ही होता है कि पॉन्ड है या हमारी छत है या जो भी जगह है वहाँ पे थोड़ा सा हमारा एल्गा यहाँ पे आया,
ठीक है, एल्गी आया और स्पायरोगायरा यहाँ पे आया, और धीरे धीरे फिर ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू क्या होने लगता है, फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाती है प्रोसेस, और उसके थ्रू तेज़ ग्रोथ उनकी हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंगल हमारा पेरेंट किस में चेंज हो गया, दो न्यू फ्रेगमेंट्स में चेंज हो गया, दो न्यू बेबी प्लांट फॉर्म हो गए। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन हुआ उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड और लास्ट स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर का अगर हम बात करें, स्पोर का जैसा कि नाम है स्पोर, तो स्पोर का मतलब हुआ कि एक इस तरह से कोई छोटा सा एक पार्टिकल समझ लीजिए, ये स्पोर कहला रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर ये किस में देखा जाता है, फंगस, फंजाई। हमारे घर में अचार बनता है, अचार में क्या होता है, हमेशा फफूंदी लग जाती है अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं, पुराना हो जाता है तो उसमें, या ब्रेड में देख सकते हैं, हमारे यहाँ ब्रेड आती है सुबह ब्रेकफास्ट में, हम ब्रेड लेते हैं, उसको अगर थोड़े दिन तक रखे रहने देंगे तो क्या हो जाता है, फंगस लगता है। पहले तो थोड़ा थोड़ा लगेगा और फिर धीमे धीमे वो कैसे बढ़ता चला जाता है। तो ये बढ़ता कैसे चला जाता है, यहाँ पे ना मेल गैमेट दिख रहा है ना फीमेल गैमेट दिख रहा है, ठीक है, ना फ्लावर दिख रहे हैं, और काम हो रहा है, कैसे ग्रोथ हो जा रही है। तो उनकी ग्रोथ कैसी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होती है। तो इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं कि ब्रेड पीस हम देखते हैं उसमें स्पोर्स के थ्रू ये फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी शुरू करते हैं, रिपीट एक्टिविटी, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। हम उसको माइक्रोस्कोप से मैश, उसको ब्रेड को लेकर, ब्रेड से लेकर अपनी स्लाइड में, और माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का ये दिखता है, ये इसका पोर्शन है, ये हाइफी कहलाता है, ये स्पोरेंजियम कहलाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, और फिर ये स्पोर ऐसे, ये क्या होता है, ये यहाँ से फटता है, और फट के ये हमारे स्पोर्स फैलते हैं। जैसे ये स्पोर्स फैलते हैं, जहाँ जहाँ ये स्पोर पड़ते हैं, ये न्यू बेबी प्लांट फॉर्म हो गए, और ये वहाँ से फिर ये अपनी पूरी बॉडी बना लेते हैं, नीचे रूट और ये हाइफी, और फिर से ये बनाएंगे, और फिर ये स्पोरेंजियम बनाने के बाद फिर न्यू बेबी प्लांट ये फॉर्म करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत तेज़ होती है, इसीलिए कहते हैं एक बार अगर फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाता है, तो वो बहुत तेज़ से फैलता है। आप लोग ये घर में आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें, तो ये इसमें फर्न में भी देखा जाता है, फर्न में भी, ये फर्न प्लांट है, उसमें स्पोर फॉर्मिंग बॉडी है, तो यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं और उनको नाम दिया जाता है सोराई, ठीक है। और अब ये स्पोर्स क्या है, हमारे एसेक्सुअल बॉडीज हुए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहलाएंगे, क्योंकि इनके थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी तक जैसे हम पढ़ रहे थे रूट्स, स्टेम, लीव, बड्स, तो अब हमने देखा स्पोर के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय द हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, जो भी ये स्पोर होता है एक, वो बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से क्या होता है, कवर हो जाता है। रीज़न ये होता है कि यहाँ पे कंडीशन उसको मिल रही है, सपोज अचार है या ब्रेड है, तो वहाँ पे उसको वो बासी हो रही है, और बासी होते होते उसमें लग रही है फफूंदी, लग रही है, फंगस आ रहा है। अब धीमे धीमे ये फॉर्म होके ये फटे फटके ये हमारे स्पोर्स यहाँ पे बन गए। अब ये स्पोर्स ऑब्वियसली हो सकता है कि आप उस ब्रेड को या उस अचार को धूप दिखा दें या जो कर दें, मतलब प्रॉपर अगर उनको क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है तो वो आगे ग्रोथ करते हैं, अदरवाइज वहीं पे मर जाते हैं। वहीं स्पोर जो है वो अपने जैकेट के अंदर रहते हैं, देखिए प्रोटेक्टिव कोट्स के थ्रू रहते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं देते हैं, अदरवाइज वो ग्रोथ करते हैं, तो वो इसीलिए हमेशा एक कोट में रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। सपोज आपने क्या किया कि अचार को सोचा चलो मैं धूप दिखा लूँ, इसमें फफूंदी लग गई है, तो यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर मिलेगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और ये किस में ग्रोथ करेंगे, ह्यूमिडिटी में, इनको मॉइस्चर चाहिए। तो जैसे ये हाई टेम्परेचर मिलेगा वैसे ये कोट के अंदर है, तो ये अपने आप को बचा ले जाएंगे। जैसे ही आप उनको धूप से दिखा के वापस अपने घर में लाएंगे नीचे, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, धीमे धीमे फिर से फफूंदी और फंगस लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं एक बार अगर फंगस लग जाए तो उसे चीज़ को निकाल के फेंक देना चाहिए, उसे हटा हटा के यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दे कैन, हमें लगता है कि हाँ यहाँ से फफूंदी चली गई, लेकिन वो स्पोर्ट्स क्या होते हैं, हमारे जैकेट प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर रहते हैं, जो कि हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है। जैसे हमारा टेम्परेचर और वो ह्यूमिडिटी उनके फेवरेबल हुआ, वैसे ही वो वापस ग्रोथ करने लगते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर। यहाँ पे तो एक एग्जांपल इसका लिया था, फंगस का लिया था, और इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि
मॉस हैं, कुछ मॉसेस हैं और फर्न्स हैं, वो भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही उनके रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मॉस और फर्न्स भी बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, पूरा डिटेल में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया, उसमें हमने बडिंग पढ़ा, अपना फ्रेगमेंटेशन पढ़ा और स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आई हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हेडिंग, कोई भी टर्म साइंस का हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डील करेंगे। ओके, तब तक के लिए फिर बाय बाय।